नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफ ई की इस पाठशाला में। आज का जो विषय है वह 1857 की क्रांति, पावर्ड बाय एफ ई। और चलते हैं विषय की ओर। सबसे पहला है दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो लड़ने वाले थे भारत की तरफ से, ये थे बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम मुगल शासक। और बख्त खान ने इनका नेतृत्व किया था इस लड़ाई में। इनको निकालने वाला था निकलसन और हटसन, इस तरीके से याद हो जाएगा, इनको निकालने वाला था निकलसन और हटसन दिल्ली। और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको इनके बारे में, 1838 में अपने फादर की डेथ के बाद बने थे बहादुर शाह जफर, बादशाह बने थे। और उनकी माँ का नाम था ललबाई, और ये हिंदू परिवार से थी, ये थोड़ी सी याद करने वाली बात है। और जो निकलसन हटसन ने इनको निकाला था, और जब एक मैंने बहुत पहले एक बात पढ़ी थी जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इट्स वेरी ओड। अंग्रेजों ने जुल्म की सभी हदें जब पार कर दी थी, तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी, तो अंग्रेज उनके सामने थाली में उनके बेटों के सर को परोस कर लाए थे। तो यानी कि इस तरीके से कि जफर के बाद तो आने वाला कोई है नहीं, क्योंकि मारे जा चुके उनके बच्चे। तो और लास्टली फाइनली अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा में, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, पहले बर्मा था ये, अब म्यांमार हो गया है, तो वहाँ भेज दिया गया, और जहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। ये बहादुर शाह जफर का देख रहे हैं फोटो, और जफर नाम जो इनको दिया गया है, इनको ये शायर के बहुत ही फेमस उर्दू की भाषा के शायर माने जाते थे, और उस समय के लिए तो जिस पुस्तक में लिखा करते थे उसको उन्होंने टाइटल दिया था जफर। नेक्स्ट वन आपका है कानपुर। नाना साहब तात्या टोपे ने बागडोर संभाली थी, और बहुत ही ज़्यादा पावर थी, तो इसको निकालने के लिए वही व्यक्ति आ गया इसके पास, बल हो गया, इसे कैम्बल एक तरीके से कैपड़े की देख रहे हैं आप, बल कैम्बल। तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था भारत की तरफ से, वो थे नाना साहब तात्या टोपे, और इनको निकालने वाले के लिए पावर थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इट वॉज तात्या टोपे। और कुछ कहा जाता है तात्या टोपे के बारे में कि बाजीराव तात्या को एक बेस कीमती और नायाब टोपी दी गई थी, और तात्या इस टोपी को बड़े चाव से पहनते थे, और बड़े ठाठ बाठ से टोपी पहन के जब बाहर निकलते थे, जिसके कारण लोग उन्हें टोपी टोपी वाला, तात्या तात्या बोलना और टोपी के नाम से पुकारने लगे, और इस तरीके से उनके नाम के आगे तात्या टोपी जुड़ गया, टोपी पर जुड़ गया। और ये पूरी उम्र अविवाहित रहे, यानी कि कुंवारे रहे, और देश के लिए उन्हें काफ़ी योगदान दिया। नेक्स्ट वन आपका लखनऊ, बेगम हजरत महल। तो इस तरीके से वैसे तो नाम में आ रहा है हजरत महल, यानी कि महलवड़ से भी आप याद करते हैं, महलवड़ आ रहा है, तो पावर थोड़ी ज़्यादा होगी। इनको निकालने के लिए एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा बल हो, कैम्बल लखनऊ कैम्बल। और जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं काठमांडू में बेगम हजरत महल की जो समाधि है, वो इनकी इच्छा थी कि इनकी समाधि काठमांडू में बनाई जाए। नेक्स्ट आपका झांसी, वेरी इंपॉर्टेंट है। झांसी की जो रानी थी किसी हीरोइन से कम नहीं थी, तो बात माननी पड़ेगी, तो इसको हराने के लिए तो हीरो चाहिए, वरना कोई हरा नहीं पाएगा इसको। तो इस तरीके से झांसी से हीरो से हम याद करते हैं। और झांसी की रानी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1835 में, याद रहेगा 1835, और डेट थी कोई ये 19 नवंबर। तो 19 नवंबर आपका 1835 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और बहुत ही जोश के साथ ही लड़ी, और बाद में वो अलग बात है कि इनको वीरगति की प्राप्ति हुई, लेकिन जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया था इन्होंने, झांसी की रानी। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद, वेरी फेमस। और इलाहाबाद में बहती है हमारी गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती फिलहाल थोड़ा सा लुप्त हो गई है, पानी आज भी उसका कुछ हद तक नीला देखने को मिलता है, तो इस तरीके से हम याद करेंगे कर्नल नील। इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने वाले थे, और लियाकत अली थे जिन्होंने भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किया था। लियाकत अली के बारे में कुछ बात मैं आपको बता दूँ, खास बात कि अंग्रेज़ों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ 5000 रुपये का इनाम रखा था, और लेकिन मौलाना जो थे वो आपके दक्षिण से होते हुए मुंबई पहुंच गए थे, ये मुंबई पहुंच गए थे दक्षिण से होते हुए। लेकिन बड़ा अजीब रहा कि पकड़े गए ये, और उनको गिरफ्तार करके अंडमान की जेल में भेज दिए गए, जो कि काला पानी के नाम से वेरी फेमस है अंडमान, आज एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है।
और वीर सावरकर जी बहुत ही प्रसिद्ध हुए इस अंडमान के नाम से, जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी। अगर आप लोगों को मौका मिले जरूर देखिएगा ये फिल्म वीर सावरकर। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन youtube.com, वीर सावरकर। तो वीर सावरकर जी, और फिर बाद में हम बात कर रहे हैं फिलहाल लियाकत अली की, तो इनको जो कारावास की सज़ा मिली थी और जीवन के आखिरी दिनों ने वहीं बिताए, और उनकी मौत भी, उनकी उनकी डेथ भी वहीं पर हुई थी, और आज भी उनकी मज़ार है वो काला पानी में अवेलेबल है। कहीं मौका लगे जरूर जाइएगा। नेक्स्ट आपका जगदीशपुर, जगदीशपुर देख रहे हैं आप। एक इस जगदीशपुर में ये आपकी कुंवर सिंह जी हैं। कुंवर सिंह जी की जैसा कि आप ड्रेस देख पा रहे हैं, बड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसको सिलने के लिए ऐसा नहीं कि आप दर्जी के पास देंगे, टेलर खुद ही आएगा आपके पास। तो विलियम टेलर एंड विंसेंट टायर ने इस विद्रोह को दबाया था, और जो नेतृत्व करने वाले थे जगदीशपुर से वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की ड्रेस, अगर आपको कुंवर सिंह भी याद आ जाए जगदीशपुर से, अगर एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था चंद्रकांता, अगर आपको याद हो, तो चंद्रकांता में कुंवर सिंह का रोल प्ले किया था। उसकी ड्रेस बड़ी डिफरेंट थी, तो ऐसी ड्रेस से कभी सिलती नहीं है आम जगह। तो उसको सिलने के लिए एक नया टेलर चाहिए, विलियम टेलर एंड विंसेंट टायर के माध्यम से इसको याद कर पाएंगे। और अगला है आपका बरेली, खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत ही फेमस, हम जानते हैं 1987 में इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये, याद रखना। और मेंशन है वैसे यहाँ पर, भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया 1987। और इनके बारे में कुछ खास बात मैं आपको बता दूँ कि देश के ये चाहते नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो। पहली बात तो भारत पाकिस्तान के बंटवारा इनको बिल्कुल भी नहीं भा रहा था, लेकिन जब बंटवारा हो गया, जब इधर इंडिया हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया और इधर इंडिया हो गया, तो फिर ये पाकिस्तान में सेटल हो गए हमेशा के लिए। लेकिन ये चाहते नहीं थे कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो। लेकिन फिर यहाँ पे भी ये हैप्पी नहीं थे वहाँ से, भारत का बंटवारा होने पर जो उनका संबंध भारत से टूट गया, किंतु वे भारत के विभाजन से किसी भी प्रकार से सहमत नहीं थे, मैं आपको बता दूं बात। और इसी तरीके से फिर वो पाकिस्तान से उनकी विचारधारा कभी मिली ही नहीं, हमेशा भिन्न रही। और पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने एक स्वतंत्र पख्तूनख्वान का आंदोलन चलाया और आजीवन चलाते रहे। इट वॉज पख्तूनख्वान, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, पख्तूनख्वान। ये चाहते थे कि एक नया देश और बने पाकिस्तान में से, जिसके नेतृत्व के लिए उन्होंने स्वतंत्र पख्तूनख्वान की आंदोलन को चलाया। और सन 1988 में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने पेशावर में उनके घर में ही उनको नज़रबंद कर दिया, और फिर बाद में उनकी डेथ हो गई। और इनकी इच्छा अनुसार उन्हें अफगानिस्तान में जलालाबाद, एक जगह है जलालाबाद अफगानिस्तान में, वहाँ पे इनको दफनाया गया। ये थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज को काफ़ी ग्रो करेगा। और एक बात और इसके साथ साथ जो हमारे लिए स्पेशल है, और ये हमें चाहिए आपसे, इट्स एफी फ्रेंड्स एजुकेशन। और इट्स हमारे सारे वीडियोस होते हैं ऑनलाइन, डाटा एक बनाने का प्रयास है हमारा, जिसमें वीडियो फ्री दी जाएँ। वैसे भी हमारी जो स्टडी होती है फ्री होती है, नॉट एनी चार्ज। आप हमें लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे, facebook.com/friendseducation, और यूट्यूब पे भी हमें आप लाइक कर सकते हैं youtube.com/friendseducation। और आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे सबसे पहले आपको जाएगा नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।